आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर, जहां एक महीने के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। 25 अप्रैल तक प्रतिबंध हट सकता है और प्रतिबंध हटने पर पूरे एक महीने तक तबादले हो सकेंगे। तो तबादलों को लेकर नई नीति बनकर तैयार है, तबादला नीति बनकर तैयार है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस बार करीब 35,000 से 40,000 ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल से प्रतिबंध हटाया जा सकता है, इस पर से? देखिए, लगभग ये तैयारी हो गई है। मंगलवार को जब कैबिनेट होगी तो नई जो नीति है उसको भी मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चुनावी वर्ष है 2023 का, कई तरह के इसमें ट्रांसफर देखने को मिलेंगे बड़ी तादाद में, और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा। लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास रहेगा, मुख्यमंत्री जी साहब कह चुके कि कम से कम तबादले कीजिए, जिनको जरूरत है उनको कीजिए। ये वो तबादले होंगे जो स्वैच्छिक तबादले होंगे, जिसमें प्रथम फर्स्ट क्लास अधिकारी जो है फर्स्ट और सेकेंड, वो समन्वय के साथ मुख्यमंत्री की समन्वय जो कमेटी है उसके बाद होगा, और बाकी जो ट्रांसफर है प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर होंगे। तो बड़ी तैयारियां हैं ट्रांसफर की और करीब 35 से 40,000 ट्रांसफर होने की संभावना। 25 अप्रैल से बैन खुलेंगे जो एक महीने तक रहेंगे, तब एक बार फिर तबादलों से प्रतिबंध हटते ही तबादले देखने को मिलेंगे मध्यप्रदेश में बड़ी तादाद। शुक्रिया आपका सर तमाम बातचीत के लिए। तो एक महीने के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है, और जब ऐसा होगा तो बताया जा रहा है कि करीब 35 से 40,000 ट्रांसफर हो सकते हैं। नीति बनकर तैयार है और इस कैबिनेट बैठक जब होगी मंगलवार को, तो कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इस नीति को लागू भी कर दिया जाएगा।